तो अब सब कुछ सामने आ चुका है कि शीश महल जो बन चुका है अपराध महल, उसमें हमला करवाने वाले स्वाति मालीवाल, एक राज्यसभा महिला सांसद पर, वो और कोई नहीं, वो केजरीवाल ही थे। क्योंकि केजरीवाल के साथ ही विभव कुमार देखे गए एयरपोर्ट पर लखनऊ के। अब बताइए, 72 घंटे होने को है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर नहीं की जाती आम आदमी पार्टी के द्वारा। बस 30-32 घंटों के बाद संजय सिंह आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, और ये सख्त कार्रवाई कि आप विभव कुमार को लेकर घूम रहे हैं, इसका मतलब हमला विभव कुमार ने नहीं किया। हमला जैसे पीसीआर कॉल के रिकॉर्ड में लिखा है, जो दो फोन कॉल किए स्वाति मालीवाल ने, हमला मुख्यमंत्री ने ही करवाया, अरविंद केजरीवाल ने ही करवाया। और सवाल ये बनता है, इसीलिए तो संरक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए एफआईआर नहीं की जा रही, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस प्रकार की हरकतें आम आदमी पार्टी के नेताओं और लीडर्स ने की है। उन्होंने तो अक्सर ऑफिसर्स को मारना, पीटना, महिलाओं के साथ अभद्रता, ये किया ही है। अब तो साफ है कि स्वाति मालीवाल भी क्यों चुप है, जो वैसे तो मुखर होकर बोलती है, पर वो चुप इसलिए है क्योंकि उन पर दबाव डाला गया है। कल भी हमने देखा संजय सिंह प्रयास कर रहे थे दबाव डालने का, मतलब साफ है, जैसे उनके हस्बैंड ने, जैसे नवीन जयहिंद ने और बाकी लोगों ने भी बताया है, नितिन त्यागी ने भी बताया है, स्वाति मालीवाल पर भारी भरकम प्रेशर डाला जा रहा है कि वो स्टेटमेंट बदले, वो चुप रहे। और किस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है केजरीवाल जी के द्वारा विभव कुमार को, इससे पता लगता है कि हमला केजरीवाल जी ने ही करवाया। और ये जिस प्रकार से शीश महल अब अपराध महल बन चुका है, और वहां पर द्रौपदी के चीरहरण की तरह एक चीरहरण हुआ एक राज्यसभा महिला सांसद का, मुझे लगता है इससे ज्यादा और प्रमाण की आवश्यकता नहीं।